इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जियो टीवी के अंदर अगर आपको इस तरीके से इशू आता है, कनेक्शन नॉट अवेलेबल, काइंडली चेक योर कनेक्टिविटी। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जियो टीवी के अंदर से, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है एंड अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, सिम कार्ड्स में जाना है और चेक कर लेना है कि यहाँ पर मोबाइल डेटा स्टार्ट है या नहीं है। अगर इस बंद है तो इसे स्टार्ट कर लीजिए, फिर बैक लाइए और यहाँ पर कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाइए और एरोप्लेन मोड को एक दफ़ा लगा लीजिए और बंद कर दीजिए। फिर बैक लाइए और यहाँ पर फिर आप जो है मैनेज एप्स में जाइए और जियो टीवी को यहाँ पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, ये रहा जियो टीवी, इसको खोल लीजिए और इस पर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज लग रहा हो तो सब पर टिक करके आप लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फोर्स स्टॉप मार के बैक ला दीजिए, अपने फ़ोन को बंद करके खोलिए और बंद करके खोलने के बाद आप प्ले स्टोर में जाइए और जियो टीवी पर आपको अपडेट मिले तो अपडेट कर लीजिएगा। आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख रहे होंगे, जियो टीवी हैज़ बीन अपडेटेड विद बग फिक्स एंड एनहेंसमेंट्स इम्प्रूव योर व्यूइंग एक्सपीरियंस। तो अगर यहाँ पर आपका कोई इशू चल रहा होगा, बग चल रहा होगा, तो अपडेट के साथ इशू सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपके अब भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो एक अपडेट और आएगा, उसको ज़रूर कर लीजिएगा कुछ दिनों बाद, या फिर रेगुलरली अगर आपको आ जाता है कोई रिपोर्ट मारता है तो आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। तो अपडेट आप कर लेंगे फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।